कक्षा 10 के विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी किताब में प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दे रखा है। आज हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ निरंतर जुड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में एक बहुत ही सुंदर चित्र दे रखा है, इस चित्र का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने पर हमें मध्य में ईसा मसीह, जो कि ईसाइयों के देवता हैं, ईश्वर हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उनके चारों तरफ विभिन्न देवी देवताएं दिखाई दे रहे हैं, और नीचे धरती की तरफ अगर हम देखते हैं तो एक लंबी सी कतार दिखाई दे रही है। आप देखिए कि कतार बहुत लंबी चली रही आ रही है, और इस कतार में विभिन्न तरह के लोग अलग अलग प्रकार के झंडे लेकर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वेशभूषा में झंडे लेकर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है, और इस स्टैचू को ही सभी लोग आकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। नीचे धरातल पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ईंट पत्थर के टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इस चित्र का हमने प्रथम दृष्टिया जो अवलोकन किया है उस पर बात की है। अब हम इस चित्र पर बात करते हैं कि चित्र आखिर किसने बनाया है और क्यों बनाया है। इस चित्र को बनाने वाले हैं फ्रेडरिक सोरेयू, और इस चित्र का जो नाम रखा गया है वो है विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि 1848। इस पर हम आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, हम उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द हमारे सामने है निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिज्म। इसका अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। से तात्पर्य यह हुआ कि ऐसी सरकार जो स्वयंभू हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो, उसे हम निरंकुशवाद कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा राजा जो स्वयं निर्णय लेता है और निरंकुश रूप से कार्य करता है, प्रजा की भलाई बुराई की चिंता न करते हुए अपने हितों को देखते हुए जो कार्य करता है वह कहलाता है निरंकुशवाद या निरंकुश सत्ता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, निरंकुशवाद की यहाँ पर तीन विशेषताएँ बताई गई है। पहली विशेषता केंद्रीकृत सरकार, दूसरी विशेषता सैन्य बल पर आधारित, तीसरी विशेषता दमनकारी सरकार। तो इस प्रकार तीन विशेषता हुई निरंकुशवाद की, केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार। तो इस प्रकार हमें निरंकुशवाद का तात्पर्य समझ में आ गया है। अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरेयू ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक सोरेयू एक फ्रांसीसी कलाकार है। आपसे जब पूछा जाए कि फ्रेडरिक सोरेयू कहाँ के निवासी थे, तो उसका उत्तर होगा फ्रेडरिक सोरेयू फ्रांस के निवासी थे, और उन्होंने 1848 में चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो इस चित्र में एक सपनों का संसार है, और उस सपनों का संसार किससे संबंधित है, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बनाए। इस श्रृंखला के पहले चित्र जो कि हमको यहाँ पर दिखाई दिया गया है, एक बार हम उसका फिर अवलोकन कर लेते हैं। यह जो पहला चित्र है उस श्रृंखला का प्रथम चित्र है जो कि फ्रेडरिक सोरेयू ने बनाया है, और ये फ्रांस के निवासी थे। इस चित्र के ऊपर हम और चर्चा करते हैं। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। अभी हमने जो लोग देखे थे वो कहाँ के हैं, वो यूरोप और अमेरिका के हैं।
सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर जो प्रतिमा देखी थी सफ़ेद रंग में, जो बीच में खड़ी हुई है, वो प्रतिमा किसकी है? स्वतंत्रता की प्रतिमा। वह देवी है जो स्वतंत्रता की है, फ्रीडम की है, और इसी की सभी वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। हम एक बार पुनः इस चित्र को देखेंगे। आप स्पष्ट रूप से इस चित्र में देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता की देवी है, उसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है। अभी हमने जैसा कि देखा था, उसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है, आपको ये मशाल दिखे दे रही है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। इस हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में, के समय में, इस प्रकार के विचारों का आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं विचारों की वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। तो स्वतंत्रता की जो देवी है, उसके एक हाथ में मशाल है, वो मशाल किसकी? ज्ञान की, और उसके एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अभी हमने देखा था कि उस प्रतिमा के नीचे धरातल पर बहुत सारे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। तो आखिर क्या है? इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, सांकेतिक मीनिंग है। ये जो टुकड़े पड़े हुए वो हैं निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष। सूर्य के कल्पना आदर्श, कोई कल्पना आदर्श किसे कहा जाता है? इसको इंग्लिश में यूटोपिया बोलते हैं। कल्पना आदर्श से तात्पर्य है कि वास्तव में कोई चीज़ धरातल पर नहीं होती है, लेकिन वैसी हम कल्पना करते हैं कि वैसी होए। यहाँ पर पारिभाषिक शब्दों में भी हम जाएंगे, वहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कल्पना आदर्श का मीनिंग क्या है। कल्पना आदर्श का तात्पर्य है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। तात्पर्य यह हुआ कि पूर्ण रूप से आदर्श स्थिति होना, जो वास्तविक रूप से संभव नहीं है, उसे हम कहते हैं कल्पना आदर्श या यूटोपिया। तो सूर्य के कल्पना आदर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिसकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। हमने अभी जो चित्र देखा था, आप उसमें देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी राष्ट्रीय पोशाक अलग अलग है, और सबके हाथ में अलग अलग प्रकार के झंडे भी हैं। यहाँ पे देखिए किसी के, इनका झंडा किस प्रकार का है, इसका झंडा कैसा है। कुछ लोगों के झंडे के अलग रंग है, यानी अलग अलग प्रकार के झंडे, और इनकी वेशभूषाएँ भी अलग अलग है। इस प्रकार विद्यार्थियों, सूर्य के कल्पना आदर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति इससे कहीं आगे जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, और तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाने जा सकते हैं, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचा है। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि इस पंक्ति में, इस लाइन में सबसे आगे अगर कोई है तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे इस पंक्ति में है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, और अभी अभी फ्रांस के लोग भी अपना तिरंगा लेकर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस प्रकार यह पंक्ति निरंतर आगे बढ़ रही है। इस पंक्ति में आगे की तरफ, इस पंक्ति में फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सूर्य ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे और वह झंडा थामे हुए हैं। 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद इस पंक्ति में ऑस्ट्रिया, दो सिसलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। इस चित्र में ऊपर की ओर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो विद्यार्थियों, हम इस चित्र का अवलोकन एक बार पुनः करते हैं। आप देखिए कि चित्र में मध्य में ईसा मसीह दिखाई दे रहे हैं, और ईसा मसीह के पास में विभिन्न प्रकार के फरिश्ते भी हैं, संत भी हैं, और सभी जने पृथ्वी पर, यह जो पंक्ति है जो राष्ट्र राज्य बनने के लिए अग्रसर है, उस पंक्ति पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं, और इन लोगों ने
स्वतंत्रता की देवी को घेर रखा है। अभी हमने जैसे पढ़ा था कि इस क्रम में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है जो काफ़ी आगे निकल गया है, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड के बाद में अभी अभी यहाँ पर फ्रांस का झंडा लेकर लोग पहुँचे हैं और पीछे पीछे जर्मनी भी आ रहा है। उसके बाद ये पंक्ति बढ़ती जा रही है, विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार चाहे पृथ्वी पर लोग अलग अलग प्रकार के हों, लेकिन ईश्वर जो एक है वह सब पर समान दृष्टि रखता है। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के लिए किया है। इस अध्याय में कई ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सोरोई ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों में अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पूर्व में यूरोप में राजाओं का शासन था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंश के साम्राज्य स्थापित थे, लेकिन जब राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय हुआ तो धीरे धीरे ये सभी राज्य जो राजाओं के शासन थे वहाँ समाप्त होने लगा। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। जब राजाओं का शासन था, साम्राज्य बने हुए थे, तब सारी प्रभुसत्ता एक ही व्यक्ति के पास थी और वह केंद्रित रूप से थी। लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा में यह सब बदलने लगा। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना आने लगी। साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं, लेकिन फिर भी हमारी साझा पहचान है कि हम एक भारतीय हैं। हमारा इतिहास, जाति, समाज, राज्य का अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी जब हम एक राष्ट्र की विचारधारा पर ध्यान देते हैं तब हमारा विरासत जो होती है वो एक होती है, हमारा इतिहास एक होता है। इस प्रकार ये साझेपन की भावना राष्ट्र राज्य के अवधारणा के साथ ही विकसित होती है और ये राष्ट्र राज्य एक दिन में नहीं बना है, कई नेताओं के संघर्ष और लोगों के बलिदान पर यह निर्मित होता है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाएगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। अब हम यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन द्वारा जो राष्ट्र राज्य की परिभाषा दी गई है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि अर्नेस्ट रेनन कौन है। अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जिनका जन्म 1823 में हुआ और मृत्यु 1892 में हुई। इन्होंने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था जो बाद में एक निबंध के रूप में छपा और उस निबंध का शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम अर्नेस्ट रेनन के विचारों का ध्यान से अध्ययन करते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता, वह निरंतर लंबे प्रयास से, निरंतर लंबे त्याग और निष्ठा से बनता है। शौर्यवीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे कामों को करने की इच्छा रखना एक जन समूह होने के यह एक सबसे जरूरी शर्त है। अतः एक राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने की किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा या के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए वहाँ पर जनमत या जन समूह होना आवश्यक शर्त है। और जन समूह से तात्पर्य है कि एक समान इच्छा रखने वाले लोग, एक साथ मिलकर काम करने वाले लोग और एक ही इच्छा से कार्य करने वाले लोग जो वहाँ के निवासी हों, वह एक पहली शर्त है। जब सभी लोग मिलकर सोचते हैं, मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वह राष्ट्र बनने का पहली शर्त हो जाती है।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने और बताया है कि कोई भी राष्ट्र न तो स्वयं किसी पर अधिकार करने में दिलचस्पी रखता है और न ही उस पर कोई अगर अधिकार रखता है तो वह उसको सहन करता है। इस प्रकार स्वतंत्रता सबसे पहली शर्त है, और अगर पूरी दुनिया में एक ही कानून हो जाएगा और सबका एक ही मालिक होगा तो कभी भी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वहाँ निरंकुशतावाद हो जाएगा। यहाँ एक नया शब्द आया है जनमत संग्रह, उस पर हम विचार करेंगे इसका क्या अर्थ है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। जब किसी एक तथ्य पर सभी लोगों से राय जानी जाती है और उस राय में लोग अपना पक्ष रखते हैं तो वह जनमत संग्रह कहलाता है। विद्यार्थियों, आज हमने इस प्रथम पाठ का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का परिचय प्राप्त किया है। इस क्रम को हम निरंतर बनाए रखेंगे और आप सब निरंतर जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पुनः इस पाठ में हम शीघ्र मिलेंगे और आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक जो पढ़ाया गया उसका आप दोहरान करें। धन्यवाद।